नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे दादी टेरेस गार्डन चैनल में। फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं करी पत्ता का प्लांट ट्रांसफ़र करना। हम आज की वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे दादी टेरेस गार्डन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। तो फ्रेंड्स, बिना देरी करते हम आज की भी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सो लेट स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे गार्डन में स्वागत है। और दोस्तों, आज चलिए हम आप सबको कड़ी पत्ता लगाना बताते हैं। ये दोस्तों, हम कड़ी पत्ता लिए थे, हमारे घर के बाहर ही बेचने आया था, तो उससे हम ले लिए थे। और हमें इसको लिए एक हफ्ता हो गया, तुरंत नहीं लगाते, क्योंकि तुरंत लगाने पे क्या है दोस्तों, हमारे जैसे हम कहीं जाते हैं तो हम अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते कहीं बाहर या किसी घर, उसी तरह से जब ये नर्सरी से आते हैं पौधे तो यहाँ के माहौल में ढलने में टाइम लगता है, वो अपने आप को ढाल नहीं पाते। तो इसलिए दोस्तों, नर्सरी से या माली से जैसे पौधा लें आप, तो तुरंत न लगाएं, 5-6 दिन के लिए अपने गार्डन में रख दें, वो यहाँ का माहौल यहाँ का वातावरण एडजस्ट कर ले, उसके बाद लगाएं आप। और दोस्तों, ये मिट्टी है, इसमें हमने बर्मी कंपोस्ट किचन वेस्ट वाली वही डाले हैं, और जो है पत्तों की खाद थोड़ा डाले हैं, बाकी मिट्टी है, नीम की खली है, और यही डाले हैं दोस्तों। ये देखिए, खूब भुरभुरी मिट्टी है, पत्तियों की खाद और किचन वेस्ट की खाद और नीम खली, मतलब एक मुट्ठी नीम खली डाल के हमने 2 दिन पहले ही पानी डाल के धर दिया था ये मिट्टी, देख रहे हैं। अब इसमें हम लगाएंगे कढ़ी पत्ते को। दोस्तों, अब हम इसको निकाल लेते हैं, निकाल के फिर लगाते हैं। दोस्तों, अब निकालते हैं, देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हम यहाँ से अंगुली लगा के देख रहे हैं, यहाँ पे अंगुली लगा के ये धीरे धीरे खींच के, अब अगर ना निकल पाए थोड़ा थोड़ा यहाँ से इसे दबा दो तो आराम से थैली निकल जाएगी। ये देखिए, ये पत्थर है, ये देखिए दोस्तों। अब इसको हम हल्का हल्का से जैसे जड़े खोल देंगे, ये देख रहे हैं, ये ज़्यादा नहीं कुछ करेंगे, हल्का सा इसकी जड़ें खोल देंगे। ये मिट्टी वैसी रहती है ना, ये रेतीली है तो खुल जाएगा तो अच्छी ग्रोथ करेगा। ये देखिए, यहाँ से हमने लगा लिया है। ये देखिए दोस्तों, इसको हमने जड़ खोल के ये रख लिया है, नीचे मिट्टी रख ली है, आप देख लें थोड़ा जैसे जगह भी खाली होनी चाहिए, क्योंकि बाद में पानी वानी खाद वाद देने के लिए तो जगह खाली रहनी चाहिए दोस्तों। ये ऐसे, अब इसमें हम मिट्टी भर देंगे, किनारे किनारे से मिट्टी भर देंगे। ये कढ़ी पत्ता है दोस्तों, मीठी नीम, और मानसून का समय है बरसात का, तो इसको लगा दे, और शाम को टाइम पर लगाएं, दिन में नहीं। और मिट्टी में जैसे मिट्टी गोबर का खाद हो या बर्मी कंपोस्ट हो, मिट्टी और गोबर का खाद बर्मी कंपोस्ट जो भी है आपके पास, उसको मिला के थोड़ी नीम का खली डाल दें जिससे कीड़ा उड़ा ना लगे, और मिला के और मिट्टी पहले सुखवा लें धूप में, और सुखवा के फिर लगाएं, और उसके बाद जो है पानी डाल दें, 1-2 दिन पहले पानी डाल के धर दें, मिट्टी खूब पानी से भीग जाए, उसके बाद तब लगाएं। अब दोस्तों, ये देखिए हमने लगा दिया, अब थोड़ा ऐसे ही ला दें, ये देख रहे हैं, ऐसे ही ला दें जिससे फंगस जो है फंगस न अटैक करे, नहीं तो हमारे पेड़ों को जैसे हवा जाती है फंगस हो जाते हैं तो खराब हो जाते हैं। लगाने के बाद खूब दबाएं, ये देखिए
खूब अच्छे से दबाएं और ऐसे लगा दें और इतना गमला खाली रखें जिससे हम आगे खाद पानी जो भी दे सकें वो दें। और दोस्तों पानी देते रहें और ज़्यादा पानी न दें क्योंकि मिट्टी ऐसा ना हो कि एकदम पानी से भरी रहे, जड़ें सड़ जाएं। मिट्टी एकदम से सूखे भी ना कि एकदम सूख जाए, और जौन बाटे ऐसा भी ना हो कि पानी से एकदम गमला भरा रहे। अब पानी डालें, और दोस्तों जब भी कढ़ी पत्ता लें तो जो पोलोथीन है ना, जैसे ये बैग, इसके अंदर देख लें कि उसका जड़ आई है कि नहीं। और कोई कोई पौधा ऐसा होता है कि जड़ नहीं रहती है, वो ऐसे ही हरा भरा नर्सरी वाले दिखा देते हैं, पता नहीं क्या डालते हैं, तो वो जड़ जहिया खूब अच्छी रहे और खूब अच्छा पेड़ चलता हुआ सीधा रहे, टेढ़ा मेढ़ा ना रहे, और ये नहीं कि जैसे थोड़ा मुरझाया से रहे, खूब खिला हुआ। और ये देखिए लगाने के बाद पानी डाल दें, ये जब लगाएं तो खूब अच्छे से पानी डाल दें। अगर मिट्टी ज़्यादा गीली है तब कम पानी डालें, और मिट्टी कम है गीली तब थोड़ा सही से डालें। अब ये मिट्टी देखो हमने भिगोया था, लेकिन ये भुरभुरी है, भीगी तो है लेकिन भुरभुरी है, तो इसको अच्छे से पानी डाल दें। और दोस्तों कढ़ी पत्ता जो है हमारे घर में बहुत काम आता है। और लगाने के बाद दोस्तों जैसे एक दो दिन के लिए थोड़ा छाए में रखें, ये नहीं डायरेक्ट धूप में रख दें, तपती धूप में। तो कितनी बार भी जैसे पौधा निकलता है उसमें से थोड़ा जल खोलते हैं हम तो मुरझा जाता है, तो लगाने के बाद इसको दो दिन छाए में रखें, उसके बाद आप रख दें अपने सही से जहाँ भी रखना है। तो दोस्तों लगाने के बाद छाए में रखें दो दिन, उसके बाद तब डायरेक्ट धूप में रखें या थोड़ा नेट के नीचे रखें, जैसे भी रखें, लेकिन छाए में लगाने के बाद दो दिन जरूर छाए में रखें, जैसे ऐसी एरिया में रखें जहां धूप कड़ी नहीं आती हो। और दोस्तों ऐसे कड़ी पत्ता लगाएं और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी सही रहता है, डायबिटीज वाले भी खाते हैं इसको, और घर में कड़ी पत्ता मीठी नीम लगाना चाहिए, जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की करी पत्ता ट्रांसफर करने वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।